वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर और हम लेकर आपके साथ में लाइव हैं बाइनोमियल थ्योरम की अगली क्लास। ठीक है, द्विपद प्रमेय की अगली क्लास लेकर आप सबके सामने हम लाइव हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज की क्लास के अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 20 होगा। ठीक है, इससे पहले मैं 20 क्लासें और कल मैंने रिवीजन का क्लास आपको लगा दिया था, तो रिवीजन की भी टेंशन ना लीजिएगा, मैं रिवीजन भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना, कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी फैक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का क्लास नंबर सेकेंड होगा। आज की क्लास के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे, एक जो अपन डिस्कस करेंगे वो होगा आपका पास्कल ट्राइंगल। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। उसके बाद में जो अपन चर्चा करेंगे वो होगा आपका रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशियंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशियंट। ठीक है, कि द्विपद गुणांकों के अंदर जो आपके पास रिलेशन होता है वो क्या होता है। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बाइनोमियल फॉर एनी पावर। बाइनोमियल फॉर एनी पावर, कोई भी अगर पावर अगर आपके पास आ जाए, पावर अगर 1/2 आ जाए, पावर 3/2 आ जाए, माइनस का 5/3 आ जाए, कोई भी अगर पावर आती है तो उस पावर के लिए बाइनोमियल एक्सटेंशन किस प्रकार होगा उसकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब मैं बता देता हूं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा और वहां से आप ऐसा आइकन आपको दिखेगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। नाम पता भरने के बाद में आप एनडीए एयरपोर्ट XY कैटेगरी उसमें सेलेक्ट करें और ऐसा इंटरफेस आपको नजर आ सकता है। अगर आप मुझे सर्च करेंगे, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मेरी प्रोफाइल है, ऐसा प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो करने के बाद में आप मेरी जो स्पेशल क्लासेस या पेड क्लासेस, जो भी क्लासेस मेरी वहां पे आएगी वो आप उनको एनरोल कर सकते हैं। जैसे मेरी पहले से वहां पे जो क्लासेस है वो ड्रीम एयरफोर्स फुल मॉक टेस्ट के नाम से, वहां पर मेरा फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट है, उससे आप एक बार पूरे सिलेबस की तैयारी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस हैं। और यहां से लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो, आर एस आर लाइव अगर कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी बच्चे को प्लस का कोर्स लेना हो, ये वाला कोड अप्लाई करें। इसके अंदर आपको इसी कोड, एक ही कोड का यूज करके फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस रागा, ये जो सारी क्लासे हैं वो आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, एक ही कोड को अप्लाई करने से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, और इस पर हम जो भी पीडीएफ होते हैं, जो भी बोर्ड पे हम नोटेड करते हैं, वो सारी चीज़ों का जो पीडीएफ है हम क्लास के बाद में आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो दिन रात आपकी सेवा के अंदर खड़ी रहती है। ठीक है, अगर आप इनको एप्रिसिएशन देना चाहते हैं तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ये हमारी क्लासेज हैं, आज की क्लासेस का टाइमिंग 9:30 बजे मैथ्स की क्लास कॉन्सेप्ट की, उसके बाद में 10:50 पे फिजिक्स की। और आज मैं आपको बताऊं कि आज इसके अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स आज की क्लास का टॉपिक होगा बेटा, और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। जब भी क्लास की स्टार्टिंग होती है उस क्लास को बिल्कुल भी आप मिस ना करें, क्योंकि टॉपिक की स्टार्टिंग के अंदर उसका बेसिक जो थीम होती है वो वहां पे कवर अप हो जाती है। उसके बाद में 12:15 पर बाइनोमियल की क्लास फिर से प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद में 2:30 PM पर आपकी वापस इंग्लिश की कॉन्सेप्ट, और 4 बजे आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है जी, सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं। एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि अगर आपको लगता है कि यार सर बिल्कुल दिन रात हमारे लिए खड़े हैं, मतलब संडे को भी हमारी छुट्टी नहीं देते हैं, तो ये सब आपकी सेवा के लिए है। कैसे भी करके आपका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, और हम केवल और केवल जो सोचते हैं वो आपके हित में सोचते हैं। तो अगर आपको भी अगर लगता हो कि यार हमारे को सर इतना कंटेंट दे रहे हैं जितना ऑफलाइन में भी नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो अगर आपको लगे 1% भी दिल से आवाज़ आए कि यार सर को ये वाली क्लास शेयर करके हम थोड़ा सा अप्रिसिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, तो अगर दिल से आवाज़ आती हो तो सर जरूर आप क्लास को शेयर करें। ठीक है, चलो जी, क्योंकि हमारे को जो मोटिवेशन मिलता है वो केवल एक ही चीज़ से मिलता है, वो बच्चे जब क्लास में आए, बस बच्चे क्लास में आने चाहिए, फिर आप चाहे जो पढ़ना चाहो सब कुछ पढ़ो। तो एक बार सारे के सारे बच्चे आई लव माई पेरेंट्स के नाम से कमेंट कर देंगे और बिल्कुल 1 घंटे तक पेटी पे खोकर बैठ जाएंगे और क्लास को आपको एंजॉय करना है, आज इसका गेम ओवर कर दूंगा मैं। ठीक है ना, 2 ही क्लासों का काम होता है इसके अंदर। ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि सर एक जो चीज़ मेरी रह गई थी
वो ऐसा रह गया था कि पास्कल जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, पास्कल ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंदर, पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये पास्कल ट्राइंगल क्या होता है जरा समझिएगा इस चीज को, कि जो अपन ने चीजें पढ़ी है, जो अपन ने कोपिसेंट पढ़े थे बाइनोमियल के अंदर कोपिसेंट, जैसे मान लो कि मैंने आपके पास ऐसा लिखा था कि ए प्लस बी की पावर 3 लिखी थी, तो इसके अंदर जो इसके कोपिसेंट थे वो ये आए थे, ए क्यूब प्लस आपके पास 3a² b और प्लस आपके पास 3ab² और प्लस का आपके पास b³, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास कोपिसेंट होते हैं, इन कोपिसेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक अपन मेथड का यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल, जिसको क्या बोला जाता है, पास्कल ट्राइंगल बोला जाता है। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है पास्कल ट्राइंगल, तो पास्कल ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैं मेथड बताऊं। अगर आपके पास किसी ब्रैकेट की पावर अगर आपके पास 0 है, तो उसका जो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आएगी उसका कोपिशेंट आपके पास 1 होगा, कोपिशेंट क्या होगा, 1 होगा। अगर आपके पास पावर, अगर एक पावर आई है, पावर अगर आपके पास एक आई है, तो उसके जो कोपिशेंट आपके पास होंगे वो क्या होंगे, 1 और 1 होंगे, ठीक है। अगर आपके पास पावर, अगर आपके पास 2 आई है, पावर अगर आपके पास 2 आई है, तो उसके कोपिशेंट ऐसे निकालेंगे, उसकी पहली टर्म का जो कोपिशेंट है वो तो 1, दूसरा इन दोनों को ऐड करने से आएगा जो 2 आएगा, और ये आपके पास 1 आ जाएगा। ध्यान से समझना, मैं सारी चीजें समझाऊंगा कि बीच में ये शुरू और लास्ट वाली टर्म तो हमेशा 1 रहती है, शुरू और लास्ट वाली टर्म तो हमेशा 1 रहती है, और बीच में जो भी दो जिन दोनों के बीच में टर्म आएगी वो आएगी इन दोनों को प्लस करने से आएगी, ठीक है। ये आपके पास स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाली टर्म, स्टार्टिंग और लास्ट वाली टर्म तो आपके पास 1 1 रहती है, और बीच में जो टर्म आपके पास आएगी वो 2 को प्लस करने से आएगी। जैसे मान लो कि मैं कहूं सर n = 3 है, और n = 3 है तो इसका मतलब है कि टोटल टर्म कितनी होगी, 4, और टोटल जो टर्म आपके पास होगी, ठीक है, टोटल जो टर्म आपके पास 4 होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी कि मैंने कहा कि पहली टर्म तो आपके पास 1, ठीक है, और लास्ट वाले टर्म 1, और बीच में जो टर्म आएगी वो इन दोनों को प्लस करने से आएगी। 1 और 2 कितना हुआ, 3, 2 और 1 कितना हुआ आपका, 3, और लास्ट वाले टर्म मैंने आपको बताई 1, तो आपके पास ये जो आएगा, ठीक है ना, वो इस तरीके से आएगा। 4 जो टर्म आपके पास होगी उनके कोपिशेंट ऐसे आएंगे, देख लो, चाहे यहाँ पे 1 3 3 1 आ रहा है, तो आपको देखो चारों टर्मों का कोपिशेंट, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का कोपिशेंट, वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे है, वो पास्कल ट्राइंगल में आ जाता है, ठीक है। चलो जी आगे करते हैं। जैसे मान लो कि n = 4 आ गया, n = 4 तो टोटल टर्म कितनी होगी, 5, और टोटल टर्म अगर 5 होगी तो पहली टर्म का जो कोपिशेंट है वो तो होगा आपका 1 होगा, और फिर बाद में जो कोपिशेंट आएगा वो इन दोनों को प्लस करने से आएगा। 1 और 3 कितना हो गया, 4, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 3 और 1 कितना हो गया, 4, और लास्ट वाला जो होगा वो आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 टर्म का जो कोपिशेंट आएगा, पहली टर्म का 1, दूसरी का 4, तीसरी का 6, फिर 4 और फिर 1 आ जाएगा। मान लो कि आपके पास n = 5 हो, n = 5 का मतलब है टोटल टर्म होगी 6, और टोटल टर्म अगर 6 होगी तो पहले का कोपिशेंट तो 1 आएगा, उसके बाद में इन दोनों को प्लस करने से आएगा, 1 और 4 कितना होगा, 5, फिर आपके पास इन दोनों को प्लस करने से आएगा 10, फिर इन दोनों को प्लस करने से आएगा 10, फिर इन दोनों को प्लस करने से आएगा 5, और लास्ट में आपके पास कितना आ जाएगा, 1। तो ये मैंने आपको n = 5 तक बता दिया है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि पास्कल ट्राइंगल का यूज कहाँ करते हैं, तो पास्कल ट्राइंगल का यूज करते हैं बाइनोमियल कोफिशेंट्स को कैलकुलेट करने में, द्विपद गुणांकों का मान कैलकुलेट करने में। जैसे मैं कहूँ आपके पास कि सर जब आपके पास ऐसा हो a + b की पावर 4 हो, तो इसके अंदर आपके पास टोटल टर्म होगी 5, और पांचों टर्म का आपके पास जो कोफिशेंट होगा, पहली टर्म का, दूसरी टर्म का, वो यहाँ से देख लो कि n = 4 मतलब पावर अगर 4 हो तो कोफिशेंट होगा 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, ठीक है। अब उसके बाद में आप आराम से कर सकते हो। मैं कहूँ आपके पास a + b की पावर अगर 5 हो तो टोटल टर्म कितनी होगी, 6, और 6 पदों के आपके पास कोफिशिएंट कितने होंगे, 1 5 10 10 5 1, ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आया क्या समझ में, ठीक है, यहां तक समझ में आया। बाइनोमियल कोपिशेंट का मतलब होता है द्विपद गुणांक, और पास्कल ट्रायंगल को हिंदी के अंदर भी पास्कल त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। चलो जी इतनी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों के, यहां तक समझ में आया, हिंदी के अंदर बताओ। अच्छा क्या बताऊं, ए को हिंदी में लिखूं, ए को हिंदी के अंदर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं a² a² b, ऐसे लिखूं।
चलो जी, याद कैसे रहेगा ये मैंने बनाना सिखा दिया यार, याद कैसे रहेगा। देखो यहाँ पे एक है, फर्स्ट और लास्ट का तो वन वन रहता है, बीच वाला इन दोनों को प्लस करने से आता है, ठीक है। फर्स्ट का वन, बीच वाला आएगा इन दोनों को प्लस करने से, लास्ट वाला वन, ये स्टार्टिंग वाला वन आ गया, बीच वाला ये जो आएगा इन दोनों को प्लस करने से आ रहा है, ये जो आएगा इन दोनों को प्लस करने से आएगा, ये लास्ट वाला वन, सीधी सी बात है यार, है ना। चलो जी नमूना बताएं। नमूना बेटा केवल और केवल आपके पास इसका जो क्वेश्चन आएगा, ये बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होते हैं द्विपद गुणांक, उनको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता है बस, ठीक है ना। इससे अलग से नहीं आता कि पास्कल ट्रायंगल कैलकुलेट करो और ऐसा नहीं, नहीं इतना नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब आपको याद हो जाएंगे, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो कि जो NC0 NC1 NC2 वो तो होता है, उससे आप कर सकते हो। चलो जी आगे मैं लेकर चलता हूं आपको, अब आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब वाला जो टॉपिक है उसका पक्का एक क्वेश्चन आपका NDE के एग्जाम में पक्का हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और वो जो टॉपिक आपका है वो है आपका रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर द्विपद गुणांकों में कोई रिलेशन अगर आपको निकालना हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट द्विपद गुणांकों में आपको रिलेशन निकालना हो, तो उसको अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट द्विपद गुणांकों में संबंध। तो समझना एक बार कि सर जब मैं ऐसा लिखता हूं कि a प्लस बी की पावर अगर n लिखता हूं, तो इसका जब प्रसार करता हूं तो वो होता है आपका NC0 a की पावर n b की पावर 0, उसके बाद में NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर b की पावर 1, फिर होता है आपके पास NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, और ऐसा 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 लास्ट में चलता रहता है NCN a की पावर 0 b की पावर n। ये आपके पास एक द्विपद प्रसार होता है, ठीक है। अगर इसी प्रसार के अंदर ये जो टर्म होती है आपके पास NC0 NC1 NC2, ये जो टर्म्स आपके पास होती है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है, मतलब इनको बोला जाता है द्विपद गुणांक। ये होते हैं द्विपद गुणांक, ये NC0 NC1 NC2 जो होता है इसको क्या बोला जाता है, द्विपद गुणांक बोला जाता है। और आगे की लैंग्वेज के अंदर ये जो आपके पास NC0 लिखा हुआ है, इस NC0 को या तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, CN,0 भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको अगर ऐसा लिखें तो भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। NC0 को आगे मैं यूज करूंगा C0 से, NC1 जहां पे लिखा हुआ होगा उसको लिखूंगा मैं C1 से, NC2 जो जहां पे लिखा हुआ है उसको मैं डायरेक्टली कहां लिखूंगा, C2 से लिखूंगा। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक चीज, अगर मैं a के बराबर तो आपके पास लिखूं 1, और b के बराबर अगर मैं इसके अंदर लिखूं x, a के बराबर तो 1 लिखूं और b के बराबर अगर मैं x लिखूं, तो यहां पर जो आपके पास आएगा 1 प्लस x की पावर n, जो इसका अगर अपन प्रसार करेंगे 1 प्लस x की पावर n, तो यहां पर अपन वैल्यू इसमें पुट कर देंगे कि सर वो क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं NC0 को C0 ही लिखूंगा हर बार, NC0 को लिखूंगा C0, NC1 को लिखूंगा मैं C1, NC2 को लिखूंगा मैं C2। तो इसका मतलब अगर मैं वैल्यू यहां पर रखता हूं तो वो क्या आएगा आपके पास, सर वो आएगा C0 प्लस आपके पास C1 x की पावर 1 प्लस आपके पास C2 x की पावर 2 और प्लस आपके पास C3 x की पावर 3 और लास्ट में जो आएगा आपके पास CN x की पावर n। ये आपके पास 1 प्लस x की पावर n का एक्सटेंशन होगा, 1 प्लस x की पावर n का एक्सटेंशन। आया बेटा समझ में, है। चलो जी बहुत बढ़िया, 1 प्लस x की पावर n मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया है कि NC0 को मैं C0 से लिखूंगा, तो यहां पर NC0 को मैंने लिखा C0 से और a की जगह मैंने 1 लिख लिया और b की जगह x, तो यहां पे 1 लिखोगे a की जगह 1, तो a को तो हटाई दो और b जहां जहां पे आ रहा है वहां पे क्या लिख दो आप, x रख दो। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस x की पावर n जो आपके पास है C0 C1x C2x ऐसा। अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं आपके पास x बराबर अगर मैं 1 रख दूं तो क्या आएगा कि आप कहोगे कि सर इधर आपके पास ऐसा, चलो एक्सप्रेशन यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं कि 1 प्लस x की पावर n जो आपके पास है वो है आपके पास C0 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस आपके पास C2 इंटू एक्स स्क्वायर और लास्ट में CN x की पावर n ऐसा। अगर यहाँ पे x बराबर 1 रख दिया जाए तो आप क्या कहोगे कि सर x बराबर 1 रखोगे तो इधर आएगा 2 और 2 की पावर n बराबर x बराबर अगर आप 1 रखोगे तो C0 प्लस का आपके पास C1
प्लस आपके पास सी टू प्लस आपके पास सी थ्री और लास्ट में आपके पास कितना आ जाएगा सी एन। तो ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी कि टू की पावर एन जो आपके पास होता है वो होता है सी जीरो प्लस का सी वन प्लस का सी टू प्लस का सी थ्री और ये आपके पास सी एन के बराबर होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके, डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो जी बेटा, अमन दुबे फालतू कमेंट ना करो, ठीक है ना, और हर एक टीचर का रेस्पेक्ट करो, ठीक है ना। ये गलत बात है कि आप बार बार एक ही कमेंट को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये एक ही कमेंट को रिपीट करने वाली बात मुझे बिल्कुल बेकार लगती है। आप सारे टीचर्स का रेस्पेक्ट करो, ठीक है ना। सब अपनी अपनी जगह सम्राट है, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूब पे जो पढ़ाता है वो अपने आप के अंदर पहले ही से महारत रखता है। तो बेटा मैं आपको कहूँगा कि कोई भी चीज़ आप दूसरे रिलेटेड, कोई भी दूसरे टीचर से रिलेटेड मेरे सामने उसके बारे में कुछ भी ना लिखें, ठीक है ना, क्योंकि मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूं, मैं चाहता हूं आप भी सबका रेस्पेक्ट करें, ठीक है ना। चलो जी, हाँ जी, टू की पावर एन बराबर ये आपके पास हुआ। अगर मान लो कि मैं लिखूं एक्स बराबर आपके पास माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन रख दूं, मैं एक्स बराबर माइनस वन रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। और इधर आपके पास आ जाएगा जीरो बराबर आप वन माइनस वन रखोगे एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा आपके पास सी जीरो माइनस का सी वन प्लस आपके पास सी टू माइनस आपके पास सी थ्री और लास्ट में जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस वन की पावर एन सी एन। तो ये आपके पास आ जाएगा जब आपने रखा माइनस वन रख दिया, ठीक है ना। तो माइनस वन मतलब अल्टरनेट सिक्वेंस में जब आपके पास प्लस माइनस वन आता है, अल्टरनेट सिक्वेंस में जब आपके पास प्लस माइनस वन आता है तो आप क्या लिखोगे, अल्टरनेट सिक्वेंस में प्लस माइनस वन आता है तो आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, अगर मान लो कि अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को जब प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करने से टू की पावर एन और जीरो तो टू की पावर एन हो जाएगा, और इधर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये माइनस वाले तो हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ पे जो आपके पास जीरो दो चार छः जो सम संख्या आपके पास आ रही है वो क्या होके, वो आपके पास जोड़कर डबल हो जाएंगे, टू सी जीरो टू सी टू प्लस आपके पास टू सी फोर और लास्ट में जो आपके पास इवन नंबर बचेगा वो आपके पास बच जाएगा। आप ये जो 2 आया है, इस 2 का अगर आप इधर डिवाइड कर दो, सब में से 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दो, तो 2 की पावर n माइनस 1 बराबर आपके पास आ जाएगा c0 प्लस का c2 प्लस आपके पास c4 और लास्ट के अंदर जो इवन नंबर आता है, ठीक है, 2 की पावर n। अगर ओनली आपके पास इवन नंबर का अगर आपको सम निकालना है तो वो होता है 2 की पावर n। अगर सारे ही नंबर होते हैं, मतलब ओड और इवन जब सारे ही होते हैं तब तो होता है 2 की पावर n, लेकिन जब ओड ओड होते हैं या इवन इवन होते हैं तब होता है 2 की पावर n माइनस 1। जैसे मैंने इसको और इसको प्लस किया तब ये आया, जब मैं इसको और इसको माइनस करूंगा तब आपके पास ये सी जीरो से कटेगा, सी टू से कटेगा, ऐसे कट कटा के आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, ओड नंबर बचेगा, ठीक है, ओड नंबर आपके पास बचेगा। आ गई बात समझ में, तो ये वाली चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। मैं ओड नंबर का भी एक्सप्रेशन आपके सामने लिख देता हूं कि अगर आपके पास ओड नंबर का लिखना हो चाहे इवन नंबर का लिखना हो तो ये आपके पास C0 प्लस का C2 प्लस का C4, अगर नीचे आपके पास इवन आता है तब भी ये आपके पास रहेगा, लेकिन जब आपके पास ओड आता है C1 प्लस का C3 प्लस का आपके पास C5 और लास्ट में आपके पास C ओड नंबर अगर आता है यहाँ पे, तब भी आपके पास एक्सप्रेशन जो होगा वो 2 की पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। और उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि अगर आपके पास दे रखा हो कि पूरे नंबर सी जीरो से स्टार्ट होके सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी है ना सी एन तक, तब तो होता है 2 की पावर n, और अगर अल्टरनेट सिक्वेंस में प्लस माइनस वन आ जाता है तब क्या होता है, जीरो होता है। और टोटल अगर सम नंबर हो सी जीरो सी टू सी फोर सी फाइव है ना, ऐसे टोटल अगर इवन नंबर आता हो तो आपके पास क्या होगा, तब आपके पास होगा 2 की पावर n माइनस 1। ओड आए चाहे यहां पे या इवन आए, ओनली इवन ओनली ओड की केस में 2 की पावर n माइनस 1, और सारे आते हैं तो 2 की पावर n होता है। अब इतनी चीजें तो बच्चों के समझ में आ जाती है, यहां तक तो किसी बच्चे के डाउट नहीं रहता, लेकिन इससे रिलेटेड जो थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें बच्चे घबराते हैं, ठीक है ना। तो वो एक्सप्रेशन सुनिएगा, उसका मैं एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट याद कराऊंगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट याद करना है, क्योंकि उसका जो मैं मेथड बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को, ठीक है ना। तो वो उसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट ही कराऊंगा। अगर आपके पास कई बार क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट आते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई में कोई नंबर आता है, जैसे कैसे आ सकता है वो देखो,
कि सर अगर आपने लिखा कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर आपके पास एन है, 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो सर इसको लिखा जाता है सी जीरो प्लस आपके पास सी वन एक्स की पावर वन प्लस आपके पास सी टू एक्स की पावर टू प्लस आपके पास सी थ्री एक्स की पावर थ्री, सर ऐसा आपके पास लिखा हुआ होता है सी एन एक्स की पावर एन, सर ये एक्सप्रेशन होता है। तो कई बार आप देखोगे कि ये जो सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री के मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, कुछ नंबर्स आते हैं, ठीक है, जैसे टू आ गया या थ्री आ गया, ऐसे नंबर्स आते हैं मल्टीप्लाई में। अगर नंबर्स मल्टीप्लाई में आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद में एक टेक्निक बताऊंगा मैं जिसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक, उससे डायरेक्ट आप इनका आंसर निकाल पाओगे, चाहिए ना। चलो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या होगा कि सर यहां पे आएगा n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0, इसका डिफरेंशिएशन करोगे c1, दूसरे का क्या होगा 2c2x और तीसरे का क्या होगा 3c3x की पावर 2 और ऐसे लास्ट में आपके पास n cn x की पावर n माइनस 1। अगर मैं यहां पर x बराबर 1 रख दूं, x बराबर 1 रख दिया जाए, ठीक है, x बराबर 1, तो आप क्या कहोगे कि सर ये होगा n इंटू टू की पावर n माइनस 1, ठीक है, और बराबर n बराबर अगर आप 1 रखोगे तो ये आ जाएगा आपका c1 प्लस आपके पास 2c2 प्लस आपके पास 3c3 और ऐसे ही लास्ट में आपके पास n cn। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा गया है बेटा एग्जाम में, ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा लास्ट के अंदर, ठीक है ना, लास्ट में इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। इसका एक टेक्निक होता है रिवर्स टेक्निक, जिससे आपको डायरेक्ट ही आंसर आएगा उसका, ठीक है। जब आपके पास ये जो कोपिसेंट है, ये जो आपके पास ए वन ए टू ए थ्री, अगर ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जब आए तो उसका मैं एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसको बोला जाएगा रिवर्स टेक्निक। क्या बोला जाएगा, रिवर्स टेक्निक, ठीक है ना। चलो जी, जब ये मल्टीप्लाई में आते हैं तब तो अपने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, लेकिन कई बार ये डिवाइड में भी मिल जाएगा आपको, तो डिवाइड में मिल जाएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो देखो क्या आएगा, इस टर्म का आप इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, उससे देखो क्या मिलेगा। अगर मैंने इंटीग्रेशन किया इसका तो क्या आएगा, वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, ठीक है, और इक्वल टू यहां पे देखिएगा, देखो सी जीरो का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होगा, वो होगा आपका सी जीरो एक्स प्लस क्या होगा सी वन एक्स की पावर टू अपॉन टू प्लस आपके पास होगा सी टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री। ये आपके पास इंटीग्रेशन होके ऐसा आ जाएगा सी एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन आपके पास एन प्लस वन आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहां पर अगर x बराबर 1 रख दिया जाए, x बराबर 1 रख दिया जाए तो ये होगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर आपके पास x बराबर जब आप 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास c0 प्लस c1 अपॉन 2 प्लस आपके पास c2 अपॉन 3 और ऐसे लास्ट में आपके पास cn अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वाला एक्सप्रेशन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर डिवाइड में कोई नंबर दिखता हो तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन आप एक ही टर्म याद रखना, ठीक है ना, ये वाला याद रखना। आगे क्या बात समझ में बेटा, ये इसका नमूना आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इसी का, ये पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट आपको आंसर देना पड़ेगा। ये नहीं है कि जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 2 है इसके प्रसार में ये पद निकालते हैं, इसमें नहीं होता ऐसा, इसमें डायरेक्ट ये वाला ही आंसर पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये जो मैं लिखा रहा हूं आपको वो डायरेक्ट पूछा जाएगा। आगे क्या बात समझ में। हाँ जी, यहां तक समझ में आया। हाँ, इंटीग्रेशन वाला लार्ज है, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इनका, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, आगे मैं एक एक्सप्रेशन आपको और बताता हूं कि उसमें क्या होता है। कई बार आपके पास ऐसा दे रखा होगा कि सर सी जीरो सी आर प्लस आपके पास सी वन सी आर माइनस वन प्लस आपके पास सी टू सी आर माइनस टू, ठीक है, लास्ट के अंदर आपके पास ऐसे ही मल्टीप्लाई के अंदर टर्म्स आएगी सी एन और आपके पास आएगा यहां पर आपके पास दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपके पास सी एन माइनस आर, ठीक है ना, ऐसा आपके पास दिखेगा।
और लास्ट के अंदर अगर आपके पास कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन आता हो सी जीरो इंटू सी आर सी वन इंटू सी आर माइनस वन, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आना चाहिए, वो दोनों के अंदर वन का डिफरेंस अगर आए, तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, ऐसे केस में क्या किया जाता है वो समझ लो। और एक बार अगर आप इसको समझ लोगे, इसको आप प्लस कर लो, है ना, इसको प्लस कर लो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास वो कितना आ जाए आर अगर आता हो, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, इसका डायरेक्ट क्या होता है, वो होता है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल n प्लस आर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। एक बार फिर से समझना, आप ये देखोगे जब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आते हैं, दो द्विपद गुणांक अगर मल्टीप्लाई में आते हैं सी जीरो इंटू सी आर सी वन इंटू सी आर प्लस वन सी टू इंटू सी आर प्लस आर प्लस टू, इन दोनों के अंदर ये है कि अगर आप इसमें से इस नंबर को माइनस करते हो, इसमें से आपने इसको माइनस किया तो आपके पास कितना आ रहा है आर, तो जितना आपके पास आ रहा है ऊपर तो आपके पास फैक्टोरियल 2n रहेगा हमेशा, जितना डिफरेंस आता है उतना n में से माइनस कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, फैक्टोरियल का डिवाइड कर देते हैं। नमूना देखो इसका कि अगर सर मैं r बराबर इसमें 1 रख दूं, तो अगर आपके पास ऐसा हो सी जीरो इंटू सी वन प्लस आपके पास सी वन इंटू सी टू प्लस सी टू इंटू सी थ्री अगर आपके पास हो, और लास्ट में अगर आपके पास सी एन, ठीक है, r बराबर मैंने क्या रखा है, r बराबर मैंने रखा है 1, r बराबर अगर अपन ने 1 रख दिया तो यहाँ पे सी एन इंटू सी एन प्लस 1 अगर आता है। अगर ऐसे एक्सप्रेशन के बारे में पूछा है कि सर इसकी वैल्यू काउंट करो, तो आप यहां पे देखो, मैंने यहां पे डायरेक्ट लॉजिक कहा है कि सर इन दोनों का डिफरेंस देखो, आप तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कि सर इन दोनों का डिफरेंस तो 1 है, तो जितना आपके पास डिफरेंस आता है ऊपर तो आपके पास फैक्टोरियल 2n ही रहेगा हमेशा, और जितना डिफरेंस आता है उतना एक बार तो अपन माइनस कर देंगे और एक बार अपन क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और उतने फैक्टोरियल का अपन डिवाइड कर देंगे। ये सीधा सा लॉजिक है। चलो जैसे मान लो कि मैंने ऐसा लिखा सर सी जीरो इंटू सी टू प्लस आपके पास सी वन इंटू सी थ्री लिखा प्लस आपके पास सी टू इंटू मैंने लिखा सी फोर लिखा, ऐसे ऐसे कोई प्रोग्रेशन चल रहा है, और सर इसकी वैल्यू अगर आपको पूछ ली जाए, इसकी वैल्यू अगर आपके पास पूछ ली जाए तो क्या होगा, आप ये देखोगे कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, दो का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर दो का डिफरेंस है, तो आप क्या कहोगे कि सर ऊपर तो जो आपके पास रहेगा वो फैक्टोरियल 2n ही रहेगा, लेकिन नीचे जो आपके पास आएगा जितना इन दोनों का डिफरेंस है उतना n में से माइनस हो जाएगा, कि सर दो का डिफरेंस है तो आपके पास क्या आ जाएगा n माइनस टू का फैक्टोरियल, और एक बार आ जाएगा आपके पास n प्लस टू का फैक्टोरियल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है। चलो जी, आया कि नहीं आया बेटा समझ में, बेटा बार बार कमेंट ना करो, ठीक है ना, बार बार मुझे कोई सा भी कमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ वो केवल एयरफोर्स एयरफोर्स का नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसमें एनडीए भी होगा, नेवी होगा, एयरफोर्स होगा, तीनों का होगा, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, हाँ प्यार में धड़ाधड़ कंजूसी है। अच्छा चलो जी, नमूने के साथ में भी बताता हूँ, ये आप एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सप्रेशन से ये दोनों तीनों चारों एक्सप्रेशन आ जाएंगे। चलो जी, एक नमूना आपको और दिखा दूँ, आप ये बताओगे इसकी वैल्यू क्या होगी सर, सी जीरो इंटू सी थ्री सी वन इंटू सी फोर प्लस आपके पास सी टू इंटू सी फाइव, चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, कमेंट करेगा एक एक बच्चा, क्या होगा आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बताओ। और ये आपको केवल एक याद रखना है, और ये सब आपके पास नमूने ही नमूने हैं, नमूनों की कोई कमी नहीं है, नमूने ही नमूने हैं, ये रहा नमूना, ये रहा नमूना, और ये वाले नमूने का तो आप आंसर दे दोगे कि सर कितना माइनस होगा, फटाफट से बताओ, देखिए क्या होगा आपके पास। अच्छा बोलो बोलो बोलो, फटाफट से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या बात है, अखिल सोनी ने आंसर दिया है सबसे पहले कि सर फैक्टोरियल 2n n माइनस थ्री, ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है ना। किस बुक में कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब यार क्या बताऊं तुझे, क्या जवाब दूं मैं, सुबह सुबह दिन खराब नहीं करना चाहता मैं तेरा। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि जो बच्चा क्लास में बैठता है उसके माँ बाप की एक्सपेक्टेशन उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है, कोई भी काम जो आप करते हो, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपके फ़ोन में रिचार्ज करवा रखा है, क्योंकि अभी आप तो कमाते हो नहीं, तो आपके घर वालों ने आपको पैसे दिए हैं कि यार रिचार्ज करवा ले, चल पढ़ तू, अच्छी तरीके से तैयारी कर, तो उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है आपके ऊपर वो बनी हुई है कि मेरा बेटा सलेक्शन लेगा,
मेरा बेटा सिलेक्शन लेगा, जब एग्जाम लगेगी उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। और क्या जब आप ऐसे कमेंट करते हो, मतलब ऐसे कमेंट करते हो जिससे मतलब टीचर भी नहीं सोच पाता कि यार आप ऐसे कमेंट कर सकते हो क्या? एक बच्चा जो टीचर से रेगुलर पढ़ता है वो ऐसे कमेंट भी कर पाता है क्या? कमेंट बॉक्स में कई बार गालियां भी देखता हूं मैं, कई बच्चे दूसरे बच्चों को गालियां निकालते रहते हैं। यार ऐसी एक्सपेक्टेशन लेकर अगर आपके घर वालों को ऐसा पता चले तो क्या उनके दिल पर बीतेगी? सोचो जरा, सोचो थोड़ा सा कि आपके फोन में रिचार्ज करवाया, कहाँ जहाँ से पैसे लाकर, ऑफलाइन कोचिंग आपको नहीं करवा पाए, लाखों रुपए उनके पास नहीं है पैसे देने के लिए, ऑफलाइन कोचिंग करवाने के लिए। आपके फोन में रिचार्ज करवाया और ये सोच के करवाया कि यार आप बहुत अच्छे तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, मोबाइल से बेटा पढ़ रहा है, पढ़ बेटा। अब जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब पे दूसरे वीडियो देखते हैं, और अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप कमेंट के अंदर मटरगश्ती करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होगा? जरा सोच के देखिएगा उनके दिल पर क्या बीतेगी जब सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने पूरी उम्मीदें लगा रखी है आप लोगों से कि मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, और जब आप ऐसे कमेंट करते हो तो आप अपने माँ बाप के साथ में धोखा कर रहे हो, मेरे साथ में मेरा क्या होगा? ठीक है, आज आप गए कोई दूसरा आएगा, लेकिन मैं मेरा जो काम करता हूँ फुल ड्यूटी के साथ में करता हूँ, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, कि मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, एक भी चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाहता। जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनमें से ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से अगर वास्तव में लव करता है ना, वास्तव में अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करता है, वो बच्चा कमेंट के अंदर कभी भी मटरगश्ती या किसी भी चैटिंग का न तो वो जवाब देगा न वो जवाब सुनना चाहेगा। अब आपकी इच्छा कि आप कुछ भी करना चाहो, आपकी इच्छा, कमेंट बॉक्स खुला है, मुझे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल एक चीज ध्यान दे लेना कि जिस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ आपके माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी, क्योंकि कई बार टेंशन के अंदर ऐसे शोक मिलते हैं, कई बार ऐसे शोक लगते हैं घर वालों को, ऐसे शोक लगते हैं सीधा ऊपर, आजकल ऐसी बॉडी रहती है, ठीक है ना, एकदम से टेंशन भी और लोजे हार्ट अटैक और ऊपर। तो मैं नहीं चाहता कि यार आपकी वजह से आपके पेरेंट्स के साथ में ऐसा हो। आप बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ में पढ़िएगा, मैं बिल्कुल प्यार से पढ़ाता हूँ, मेरे सामने सारे बच्चे एक हैं, ठीक है ना। चलो जी आगे चलता हूँ मैं। तो इसका आंसर बच्चों ने दे दिया है कि सर तीन तीन का डिफरेंस है। चलो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। देखो ये जो लिखा हुआ रहता है कि सी जीरो का स्क्वायर प्लस आपके पास सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आप मुझे बता सकते हो क्या कि सर इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सी जीरो का स्क्वायर, सी वन का स्क्वायर, सी टू का स्क्वायर, सी एन का स्क्वायर, अगर आपके पास ऐसी टर्म आ जाए तो आप इसका जो आंसर मुझे दोगे वो क्या दोगे? क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ये जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैंने कमेंट करने के लिए नहीं कहा है, प्लीज 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 आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो मैं चीज आपसे पूछूं केवल उसी का आप कमेंट करें, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि यार आपकी वजह से आपके घर वालों की उम्मीदों को झटका लगे, ठीक है। चलो जी जवाब दीजिएगा, टू की पावर टू एन, क्या बात है यार। उपदेश यादव ने आंसर दिया है, उपदेश यादव का आंसर मुझे दिखा एक बच्चे का, है ना। हाँ जी बहुत ही शानदार बेटा, उपदेश यादव का आंसर मुझे बिल्कुल करेक्ट लगा है। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, अनिल कुशवाहा ने भी सही आंसर दिया है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पा रहे कि स्क्वायर कैसे है। तो सर इसको अगर मैं ऐसा लिखता तो आप समझ जाते, सी जीरो इंटू सी वन सी वन सॉरी सी जीरो इंटू सी जीरो सी वन इंटू सी वन प्लस आपके पास सी टू इंटू सी टू, अगर मैं ऐसा लिखता तो आप समझ जाते। काफी बच्चे इस फेयर के अंदर थे कि सर आपने जो पहले पढ़ाया था वो सब वो तो दिया ही नहीं, तो मैंने इनको प्रोडक्ट करके दे दिया आपके पास। तो देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि सर इन दोनों के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैंने जो फॉर्मूला आपके पास लिखाया था वो क्या था? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और n प्लस r था, कि सर यहाँ पे जब जितना डिफरेंस होता है उतनी r की वैल्यू रखते हैं, कि सर इनमें डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस नहीं है तो r की वैल्यू जीरो आएगी। तो सर इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n, आया होगा समझ में, आया समझ में, बोलो सही है क्या? अब आ गया समझ में? हाँ ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद में तो सबको आ गया, लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन को लिखने में दिक्कत थी। चलो जी यहाँ तक की चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ चुका होगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, केवल ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना कि ऐसा करते हैं, ठीक है ना। और बाकी के लिए मैं एक टेक्निक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो समझाता हूँ आपको, शॉर्ट मेथड, है ना। चलो जी
चलो शॉर्ट मेथड, बेटा मैं जो लिखा रहा हूं ना वो ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस बहुत सारे किए जा सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन आपके लेवल तक जो चीजें हैं ना वो केवल प्लस प्लस में आएगा, प्लस माइनस में नहीं आएगा। सही है क्या? माइनस वाले में जीरो आंसर आ जाता है बेटा, ठीक है ना, माइनस वाले में जीरो आंसर आ जाता है। चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं। चलो अब आपको सिखाता हूं मैं रिवर्स टेक्निक, रिवर्स टेक्निक। ठीक सर, कई बार जो क्वेश्चन फंस जाते हैं तो सर वो जो आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर जो क्वेश्चन होगा आपका, तो वो होगा रिवर्स टेक्निक से। और इस रिवर्स टेक्निक का मतलब क्या है? उल्टी विधि, उल्टा विधि होगा। ठीक है, कैसे करते हैं इस उल्टी विधि को समझिएगा कि अगर सर अगर आपके पास ऐसा दे रखा हो ए जीरो इंटू सी जीरो प्लस आपके पास ए वन इंटू सी वन प्लस आपके पास ए टू इंटू सी टू और लास्ट में जो आपके पास लिखा हुआ है ए एन इंटू सी एन, तो ये अगर आपके पास ऐसे आ जाए कि सर ये ए जीरो ए वन ए टू ये जो टर्म्स आपके पास आती है, अगर वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आती है, इसका मतलब अगर ये टर्म आपके पास सी जीरो से स्टार्ट होकर सी एन तक अगर समांतर श्रेणी के अंदर अगर गुणांक आते हैं, तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आपके पास होगी ना, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट क्या होगी? ए जीरो प्लस ए एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन, ए जीरो प्लस आपके पास ए एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन। ये आपके समझ में आया होगा। फिर से सुनिएगा, अगर सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री के मल्टीप्लाई के अंदर जो टर्म्स आती है, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती है, तो आप क्या करोगे कि सी जीरो का कोपिसेंट जो है ना, सी जीरो का कोपिसेंट ये वाला और सी एन का जो कोपिसेंट है, इन दोनों को जोड़कर टू की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो और यही आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एपी में आते हो, अगर एपी में आते हैं तभी आपके पास ये डायरेक्ट आंसर होगा। एक नमूना दिखा दिया जाए, इसका एक नमूना देखो, इसका एक नमूना देखो कि सर ये रिवर्स टेक्निक कैसे लगाते हैं वो देखो। अभी अभी मैंने आपको ये लिखाया था कि अगर आपके पास ऐसा हो सी जीरो इंटू टू सी वन प्लस आपके पास थ्री सी टू, और अगर सर आपके पास ऐसा आ गया कि यहाँ पर आपके पास ऐसा आ गया, ठीक है, सी जीरो के मल्टीप्लाई में आपके पास वन, सी वन के मल्टीप्लाई में है टू, सी टू के मल्टीप्लाई में है आपके पास थ्री, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आता है, तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो आएगा एन प्लस वन इंटू सी एन। अगर आपके पास सर ऐसा आ गया तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया, यार जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना उतना समझ लो आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। फिर आप दिमाग लगाते हो सर ये जीपी में आ जाए, सर एचपी में आ जाए, नहीं आएगा, जो मैंने बोल दिया वो ही आएगा, ठीक है ना। अब विश्वास नहीं हो तो फिर अलग बात है कोई। चलो जी बताइए, आपके पास ये आया, समझो बेटा कि सी जीरो सी वन, सी जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यही है, थोड़ा सा नोट डाल के लिख लेना, इसके अंदर नोट डाल के लिख लेना कि सी जीरो से स्टार्टिंग होना चाहिए, सी जीरो से स्टार्टिंग, सी जीरो से जब स्टार्ट होगा तभी ये वाला रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज आपको सी जीरो का कोफिशिएंट भी प्लस माइनस वन करना पड़ेगा। हाँ जी देखो भाई क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आप देखो कि ये जो कोफिशिएंट आपके पास आ रहे हैं क्या वो एपी में है क्या? कि सर बिल्कुल एपी में है, और जब एपी में आते हैं तो आप सी जीरो का कोफिशिएंट और सी एन का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों को आप क्या कर दो? प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो और टू की पावर एन माइनस वन से आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो सर इसका मतलब आपके पास एन प्लस टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा। आ गया क्या? एक एक बच्चे ने आंसर दे दिया है इसका, और ये बहुत ही शानदार वाला तरीका है। एनडीए का जो सवाल आएगा वो इसके बेस पे आया हुआ है और आ भी सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट सही होगा आपका ऐसा, ठीक है। और करवाता हूं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कि सर समझिएगा चीज को कि अगर आपके पास ऐसा आ जाए सी वन प्लस आपके पास, सॉरी हाँ जी, अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ गया सी वन प्लस आपके पास टू सी टू प्लस आपके पास थ्री सी थ्री और अगर लास्ट में आपके पास एन सी एन लिखा हुआ गया, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है वन सी वन प्लस टू सी टू प्लस थ्री सी थ्री और लास्ट में लिखा हुआ है आपके पास एन सी एन, तो इसकी वैल्यू आप मुझे बता सकते हो क्या कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फटाफट से बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, देखना चाहता हूँ, देखें किन बच्चों का आंसर आता है, ठीक है। टू की पावर एन माइनस वन ही होगा सबके अंदर, फिक्स है,
चलो जी बताओ बताओ, ये नमूना है सर आपके पास, ये नमूना है और इस नमूने का आंसर दीजिएगा। नमूना पेश कर दिया है आपके सामने, बोलो बोलो बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का। उपदेश यादव, क्या कमाल का बच्चा है भाई ये, क्या कमाल का बच्चा, सबसे पहले इस बच्चे का आंसर आता है। यार मुझे वास्तव में यार ऐसे ही बच्चों की जरूरत होती है, ऐसे बच्चों की मुझे जरूरत होती है जिनका कभी फालतू कोई कमेंट आता ही नहीं, न तो सर गुड मॉर्निंग न इवनिंग, नहीं बेटा पढ़ने से मतलब है, जो क्वेश्चन पूछ लिया ना उसी का जवाब। और बेटा बिल्कुल नाम करके जाओगे अपने घर वालों का, बहुत शानदार। सी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसको करना पड़ेगा सर, सी जीरो से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, सी जीरो से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। चलो जी देखना, मैंने कहा था सी जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी तो सारी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। कैसे कि सर ये 1 2 3 एंड ये आपके पास एपी में है, तो सर इसको सी जीरो से स्टार्ट कर दो। इसको मैं ऐसा लिखूं तो कोई गड़बड़ है क्या, कोई दिक्कत भाई? 0 × C0 कर दिया तो मैंने, कोई दिक्कत है क्या किसी को कि सर C0 से स्टार्ट होना चाहिए, अपना रूल यही कहता है, ठीक है ना। अब काफी बच्चों ने जो इसका आंसर दिया इसको छुपा लिया होगा कि सर ये पहले वाला लास्ट वाला ऐड कर दिया, 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने आपको नोट पॉइंट के अंदर यही तो लिखवाया था कि सर C0 से स्टार्ट होना चाहिए, कि मुझे C0 से स्टार्टिंग मिलनी चाहिए। C0 से जब तक स्टार्टिंग नहीं मिलेगी ये आंसर नहीं आएगा, C0 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो C0 से स्टार्ट करने के लिए मैंने इसको 0C0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये देखो कि इन दोनों का कोपिशेंट, ये C0 0 प्लस आपके पास लास्ट वाला CN का कोपिशेंट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, n-1 से। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n × 2 की पावर n-1 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, डायरेक्ट आपके पास n × 2 की पावर n-1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आ गई बेटा बात समझ में, आ गया? अच्छा चलो जी, आलोक कुमार जी गलत आंसर दिया है बेटा, थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को अपने से कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और नमूना दिखाता हूँ आपको वो भी देखिएगा, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने नमूने आप देखोगे उतना ही क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे इजीली। अगर सर मैं आपके पास ऐसा लिखता हूँ कि 2 × C1 लिखा मैंने, 2 × C1 अगर मैंने लिखा, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर 3 × C2 लिखा, फिर आप मैंने लिखा 4 × C3 लिखा, ठीक है। और लास्ट में जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास CN × n+1, ये दे रखा है, तो आप इसका आंसर बता सकते हो क्या? थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर आपको आंसर देना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर आपको आंसर देना है। दिमाग लगाइए सर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जरा देखिएगा कि सर C0 से स्टार्ट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको प्लस कर दो और माइनस कर दो, ठीक है। करो देखें, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास आने वाली है, और आज जो टॉपिक होगा स्टार्ट होगा न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। और आप ये देख लिया करो कि पहली जब क्लास होती है ना उसी के अंदर कॉन्सेप्ट का हलवा तो पहली क्लास में ही बनता है, उसके बाद में तो घी जिसको डालना हो वो घी डालता है, ठीक है। हाँ जी, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल गाड़ी ट्रैक पर आ गई भाई, काफी बच्चों की गाड़ी ट्रैक पर आ चुकी है, शानदार। समझना क्या होगा कि सर इसमें C0 तो आपने दिया ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप C0 आप बना लो। कैसे कि सर यहाँ पे मैं C0 को प्लस किया, और AP बनाने के लिए सर मुझे इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो टर्म है ना वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है, जब ऐड की है तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, लास्ट में घटाना पड़ेगा सर, C0 मेरे को घटाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। अब आप देखो कि सर इस C0 का कोपिशेंट और इस CN का कोपिशेंट और ये सारी टर्म जो आपके पास है वो AP में है, और अगर AP में है तो अपन क्या कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, तो आपके पास C0 का कोपिशेंट 1 और CN का कोपिशेंट n+1 मैंने प्लस किया, और n × 2 की पावर n-1, ये तो यहां से लेकर यहां तक का योग आया, लास्ट में क्या था C0, और C0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n+2 × 2 की पावर n-1-1, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया आज तो भाई, सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। चलो जी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो एक और नमूना पेश किया जाए आपके सामने, नमूना लिखता हूं मैं, किसी भी बच्चे का गलत आंसर नहीं दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। चलो जी ये नमूना आपके पास ऐसा है कि सर अगर आपके पास ऐसा आ गया 3 × C2 प्लस आपके पास 4 × C3 आ गया, ठीक है, ऐसा अगर आपके पास आया, और लास्ट में जो सर आपके पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है n+1 × CN, n+1 × CN लिखा हुआ है,
चलो जी जवाब देना बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्या होगा, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट से जवाब दो। देखें प्लस वन क्यों होगा यार, जब अपन ने लास्ट में माइनस किया है सी जीरो को तो वो माइनस होगा। चलो जी जवाब देना, क्या होगा माइनस वन कैसे आया? माइनस वन बेटा इस वजह से क्योंकि लास्ट में अपन ने क्या किया था, माइनस का एन सी जीरो किया था, है ना, माइनस का सी जीरो किया था ना, इसी जीरो की वैल्यू वन होती है, इस वजह से लास्ट लास्ट में माइनस वन आया था। हाँ जी जवाब देना भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखें क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, दिमाग लगाओ भाई दिमाग लगाओ, आपके पास क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलो जी काफी बच्चों ने तो सही आंसर दिया है, चलो मैं देख लेता हूं एक बार कि कितने बच्चों का सही है। कि सर स्टार्टिंग होनी चाहिए सी जीरो से, लेकिन सर इसमें तो सी जीरो से तो स्टार्टिंग होती है, लेकिन यहाँ तो सी टू दे रखा है, ठीक है सरासर गलत। तो अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा ऐड क्या करूं कि सर सी जीरो से मुझे स्टार्टिंग करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस टू से पहले एपी बनाने के लिए तीन से पहले क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए, टू सी वन आना चाहिए, उससे जस्ट पहले क्या आना चाहिए कि सर वो आना चाहिए आपका सी जीरो, और वो कहाँ से, वन से। ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है, जब ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो यही मेरे को लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने एक्स्ट्रा किया है, यहां से लेकर यहां तक का मैंने एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। प्लस आप क्या कर दो, इनको प्लस कर दो, थ्री सी टू प्लस फोर सी थ्री, और लास्ट में जो आपके पास है वो है एन प्लस वन सी एन, ठीक है ना ऐसा, और लास्ट में इन्हीं को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास सी जीरो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, टू सी वन आ जाएगा, माइनस का सी जीरो माइनस टू सी वन। आप देख लो कि आप यहां से लेकर, बेटा जो बच्चों ने पूछा था कि सर वन माइनस क्यों किया, उसका रीजन यही है कि अपने को चाहिए स्टार्टिंग कहाँ से, सी जीरो से स्टार्टिंग चाहिए, और सी जीरो से स्टार्ट अगर नहीं है तो अपन सी जीरो से स्टार्टिंग करने के लिए कुछ टर्म प्लस करनी पड़ती है, और वो प्लस का बराबर करने के लिए माइनस करना पड़ता है, तो वो माइनस आता है। तो अब आपके पास देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एन प्लस टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और उन दोनों की वैल्यू और कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। तो आपके पास या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस का सी जीरो माइनस का आपके पास टू सी वन, ये आपके पास आंसर हो सकता है, ऐसा या तो आंसर आ सकता है, या फिर आप क्या करो इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, इसकी वैल्यू आप काउंट कर सकते हो, सी वन की वैल्यू एन सी वन की वैल्यू क्या होगी आप काउंट कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। एन सी वन की वैल्यू, एन सी वन की वैल्यू क्या होती है, एन होती है शायद, है ना, एन सी वन की जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, बिल्कुल सही है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूं, क्या होगा, एन प्लस टू इंटू टू की पावर एन माइनस वन, सी जीरो की वैल्यू वन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन। तो ये आंसर दिखना चाहिए, आंसर ये वाला आंसर आपका आना चाहिए। आगे बात समझ में बेटा, मैं बोल रहा हूं ना कि अगर ये एपी में आती है तभी लॉजिक लगेगा, अगर ये एपी में नहीं आई तो आपसे होगा भी नहीं क्वेश्चन, समझ गए क्या। मैं जितना बोल रहा हूं ना उतना कर लो, उतना ही सफिशियंट है, बाकी इस तो सर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर 1.5-2 घंटे की क्लास लगती है, उसमें भी कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन वो आईआईटी लेवल का है, पढ़ लेना मेरे से, ऑफलाइन आ जाना, ठीक है। चलो जी हाँ, ऑप्शन सेटिस्फाई करवा लो, समझ गए ना बेटा। अच्छा डिफेंस लवर एक बच्चा है जिसने पूछा है एपी में नहीं है, तो बेटा एपी में नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक्स से दोनों साइड, ये गणित लगानी पड़ती है, और उतना आपके नहीं आएगा, उतना सिलेबस में नहीं है। चलो जी आगे चलूं मैं, तो ये वाली चीज है बाइनोमियल कोफिशिएंट में रिलेशन। अब एक टॉपिक इसका छोटा सा बचा हुआ था जिससे आपको आरएस अग्रवाल में क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं करवा देता हूं कि वो क्या है। तो वो जो टर्म आपके पास है, एक जो आपके पास वो बच जाएगा, अगर ऐसा लिखूं मैं ए प्लस बी प्लस सी की पावर एन के प्रसार में पदों की संख्या, के प्रसार में पदों की संख्या, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी इसके प्रसार में अगर पदों की संख्या पूछ ली जाए। तो सर इसके प्रसार में पदों की संख्या निकालने के लिए एक थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ इसको एक्सप्लेन, कि सर यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं लिखूँ ऐसा लिखूँ, ठीक है ऐसा अगर मैं लिखूँ, उसकी पावर अगर एन है, तो इसका प्रसार कैसे होगा, कि सर इसका प्रसार होगा आपके पास क्या,
एन सी जीरो ए की पावर एन दूसरे की पावर जीरो प्लस आपके पास एन सी वन ए की पावर तो एन माइनस वन बी प्लस सी की पावर आपके पास वन। अगला जो आपके पास होगा एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू और बी प्लस सी की पावर टू। थोड़ा सा जरा समझिएगा चीज को समझिएगा। लास्ट में जो टर्म आपके पास आएगी ऐसे ऐसे वो आएगा एन सी एन ए की पावर जीरो और बी प्लस सी की पावर एन। समझना बात को समझना। आप मुझे बताओ कि ये जो पहली टर्म है इसके अंदर तो केवल एक ही पद है। टोटल टर्म्स में काउंट करूंगा कि सर टोटल जो टर्म्स होगी वो क्या क्या होगी। टोटल टर्म्स क्या होगी कि सर इसके अंदर तो एक ही टर्म है प्लस इसके अंदर कितनी पद आएगी। इसके अंदर ये तो एक ही है लेकिन डिपेंड करेगा इसकी पावर पे। ये बी प्लस सी की पावर एक है तो इसका मतलब इसमें दो टर्म होगी और वो वाली टर्म जब दोनों टर्म इस बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो दो टर्म बढ़ा देगी। इसका मतलब यहां से कितनी टर्म आई दो टर्म। पहले से एक टर्म दूसरे से दो टर्म। सर यहां से कितनी टर्म आएगी यहां से पावर दो है इसका मतलब तीन टर्म आएगी। तो इसका मतलब लास्ट में चार टर्म। तो सर लास्ट में कितनी आएगी इसकी पावर एन है तो एन प्लस वन। इन सब का अगर आप योग करते हो एक से लेकर एन प्लस वन तक तो टोटल टर्म्स आपको पता चल जाएगी। एक से लेकर एन प्लस वन पदों का जो अगर आप योग करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना ऐसा एन एन प्लस वन अपॉन टू होता है। एन एन प्लस वन अपॉन टू होता है। यहां पर एन की जगह है एन प्लस वन तो क्या आएगा एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन टू आपके पास सही आंसर आ जाएगा। इसके प्रसार में पदों की जो संख्या होगी वो क्या होगी एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन क्या होगा आपका टू होगा। एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन टू ये मैंने एक्सप्रेशन भी करवा दिया है लेकिन आप डायरेक्ट याद रख लेना। जब आपके पास तीन टर्म आती हो तो प्रसार में पदों की संख्या होगी एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन टू उस है ना। चलो जी आई बात समझ में। चलो जी अब इसके अंदर एक और मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूं कि आपके पास अगर कई बार ऐसा आ जाता है वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास थ्री एक्स उसकी पावर अगर आपके पास ऐसा आ गई चार में सभी गुणांकों का योग ज्ञात करो। में सभी गुणांकों का सारे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उन सब का योग कैलकुलेट करो। सारे गुणांकों का योग सारे गुणांकों का अगर आपको योग करना हो तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं सारे कोफिशिएंट का सम करना हो तब आप इसके अंदर एक्स बराबर वन पुट कर लेना। x बराबर वन पुट करने से आपके पास इसके सारे कोफिशिएंट का योग आ जाता है डायरेक्टली। आ गई होगी बात समझ में। चाहे पावर आपके पास कितनी भी हो पावर आपके पास कितनी भी हो ये जो आपके पास है चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो कितने भी पद हो इसमें और सारे गुणांकों का योग जब आपसे पूछ लिया तो आप x बराबर क्या रख देना वन रख देना। x बराबर वन जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आएगा आपके पास दो माइनस तीन की पावर चार आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो योग है वो कितना आ जाएगा एक। तो ये मैंने नमूना पेश कर दिया है आपके सामने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे के द्वारा। ठीक है आ गई बात समझ में बेटा। चलो जी आगे चलता हूं। थोड़ी सी चीज इसकी बची हुई है। अच्छा 16 कहां से आ गया। जब अपन x बराबर इसमें वन रखेंगे तो दो माइनस तीन माइनस एक होता है माइनस एक की पावर चार करोगे तो एक आएगा। क्या बात है यार। ठीक है ना ये डायरेक्ट आया था थर्ड शिफ्ट के अंदर 4 नवंबर को एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट ही। चलो जी एक मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपको और बता देता हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी पावर फिर इसके बाद में मैं जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास कई बार जो आपके पास पावर है वो आपके पास पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है पावर आपके पास 1/2 1/3 1/4 भी आती है तो ऐसे एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अगर आपके पास पहला एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स की पावर अगर आपके पास एन ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर एन है तो इसके अंदर एक चीज ये है कि ये पहले नंबर की टर्म है पहले नंबर की जो टर्म है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। ऐसी टर्म का प्रसार करने के लिए क्या फर्क होता है जब इसके अंदर अपन सोल्व करते हैं तो जब आपके पास पहली टर्म तो 1 हो और दूसरी जो टर्म आपके पास है x की वैल्यू वो लेस देन अगर 1 हो और ये जो पावर है वो पावर आपके पास नेगेटिव पावर भी हो सकती है
नेगेटिव पावर भी हो सकती है, या पावर जो आपके पास है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मतलब भिन्न में भी हो सकती है। तो ऐसे केस में आपके पास इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो इनफाइनाइट होती है, ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? इनफाइनाइट। जब आपके पास पहली टर्म तो वन हो, दूसरी टर्म अगर आपके पास एक से बहुत कम हो, और पावर अगर आपके पास या तो भिन्न में एक बटा दो, एक बटा तीन आ जाए या माइनस किया जाए, तो ऐसे केस के इसके अंदर प्रसार में पदों की संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। और कैसे निकालते हैं टर्म्स की संख्या? वो फॉर्मूला होता है, वो ऐसा होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू आपके पास होता है एक्स स्क्वायर, और ऐसा 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 चलता जाता है। लेकिन जब आपको जनरल टर्म इसमें निकालनी हो तो वो होता है एन 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 माइनस वन एन माइनस टू, और लास्ट में होता है आपके पास एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आपके पास क्या होता है? फैक्टोरियल आर, ये आपके पास एक्स की पावर आर। ये जो आपके पास लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन में जनरल टर्म, मतलब आर प्लस वन वी टर्म, आर प्लस वन वे नंबर की टर्म है, या फिर जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। समझना बात को, ये अभी मैं याद करने का तरीका सिखाऊंगा आपको। वन प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार जब अपन करते हैं तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, और आरवे नंबर की जो टर्म, आर प्लस वन वे नंबर की जो टर्म आएगी वो आएगी एन माइनस आर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर आर। एक चीज समझना इसके अंदर कि सर ये जो आपके पास बीच में, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपके पास इसका साइन, एक तो इसका साइन देखो पावर का, और एक इनके बीच का साइन, इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आता है पॉजिटिव। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो साइन आता है वो ही आपके पास इनके बीच में साइन आता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस आ रहा है तो सारे प्लस के होंगे, यहां पे माइनस हो तो भी सारे प्लस के, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो अल्टरनेट सिक्वेंस पे प्लस माइनस आएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर हुआ, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपके पास नेगेटिव आता है तो अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस का साइन आता है। दूसरी चीज ध्यान से सुनना कि इनके बीच में जो साइन आता है वो डिपेंड करता है पावर के कोएफिशिएंट पे, पावर के गुणांक के चिन्ह पे और इनके बीच के चिन्ह पे। दोनों का सेम साइन हो तो सारे पॉजिटिव, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो अल्टरनेट सिक्वेंस में प्लस माइनस आएगा। दूसरी चीज, पावर अगर आपके पास प्लस में है, पावर अगर प्लस में है तो ब्रैकेट में होगा माइनस, अगर पावर माइनस में है तो ब्रैकेट में यहां पे होगा प्लस। ठीक है, नमूना देखते हैं, ठीक है ना। चलो जी, हाँ भाई देखो, इसी के अंदर ऐसा अगर आपके पास ऐसा दिखा हुआ हो कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर अगर आपके पास माइनस एन आ जाए, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, मैंने कहा था क्या कि आपके पास इसका जो साइन है, एक्स का साइन है प्लस का और एन का साइन है माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस, मतलब अल्टरनेट सिक्वेंस में आएगा प्लस माइनस। यहां पे पावर अगर माइनस की है तो ब्रेकेट में होगा प्लस, तो क्या करेंगे आप इसको इस तरीके से करेंगे, वन माइनस एन एक्स और प्लस आपके पास एन, यहां पे माइनस किए ना तो आपके पास प्लस आएगा, एन एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आपके पास फिर माइनस का आ जाएगा, एन एन प्लस वन, ठीक है, एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन आपके पास फैक्टोरियल थ्री एक्स की पावर थ्री। और अगर आपको इसी के अंदर जनरल टर्म अगर लिखनी हो, जनरल टर्म, तो वो होगा आपके पास एन एन प्लस वन एन प्लस टू, और लास्ट में जो आपके पास आएगा वो आएगा एन प्लस आर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल आर, अपॉन फैक्टोरियल आर और एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर आर। ये आपके पास फॉर्मूला है जनरल टर्म का। ये आर प्लस वन वे नंबर की टर्म भी हो सकती है, आर प्लस वन वे नंबर की टर्म भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, जनरल टर्म भी हो सकती है। बात एक ही है, व्यापक पद, कोई भी टर्म अगर आपको निकालनी हो, क्योंकि मैं आगे जब आपको क्लास के अंदर जब क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो इसके भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, चलो जी बेटा, इसके अंदर फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, लेकिन मैं तो आपको याद रखने का लॉजिक भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से याद रखे जाते हैं। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करो चीजों को।
समझना आप आगे। अगर सर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, तो समझना चीज को कि इसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। ये दूसरा एक्सप्रेशन मैंने कर दिया है, तीसरा एक्सप्रेशन ये है 1 माइनस एक्स की पावर अगर आपके पास एन है तो आपके पास सीक्वेंस में जो साइन आएगा वो कैसा आएगा। आप देखो कि एन का साइन पॉजिटिव है और एक्स का साइन नेगेटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस का साइन, तो अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस आएगा। दूसरी चीज, यहां पे एन का साइन अगर प्लस का है तो आपके पास इस ब्रेकेट के अंदर से क्या होगा, माइनस। बिल्कुल जनरल सी बात है। तो ये आएगा आपके पास क्या कि सर 1 माइनस एन एक्स प्लस आपके पास एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर, और आगे आपके पास आएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स क्यूब, है ना, ऐसा आपके पास आएगा। तो इसकी जनरल टर्म बताओ। सर इसकी जनरल टर्म जो आपके पास होगी आर प्लस वन वे नंबर की टर्म, वो होगा आपके पास क्या, एन 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 माइनस वन एन माइनस टू, और लास्ट में जो आएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन जो आपके पास आएगा वो आएगा फैक्टोरियल आर, और एक्स की पावर माइनस आ रहा ना अल्टरनेट सीक्वेंस में, तो माइनस एक्स की पावर आर, ठीक है। ये आपके पास इसकी होगी जनरल टर्म। ये तीन एक्सप्रेशन बता दिए, और उसके बाद में मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको एक बार लिखते जाओ समझते जाओ चीजों को, ठीक है ना। चलो जी, अरे एयरपोर्ट्स का नहीं बता रहा हूं मैं, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि मैं सारी चीजों को कॉमन करके पढ़ाता हूं, ठीक है ना। अब तुम भगवान हो, तुम्हारे को पता है भाई क्या क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है, फिर वही पढ़ लिया करो जो आता है एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं। एक आपके पास इसका फोर्थ एक्सप्रेशन ऐसा है कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, ठीक है, एनडीई के अंदर इसका सवाल आता है तो बता रहा हूं मैं। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो सुनना बात को कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस आया, तो सारी जो संख्याएं होगी प्लस की होगी। यहां पर पावर अगर माइनस की है तो हर आपके पास जो ब्रैकेट आएगा उसमें से संख्याएं क्या होगी, प्लस होगी। तो सुनना, तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस एन एक्स प्लस आपके पास यहाँ पे एन जो है वो माइनस का है तो ब्रैकेट में आएगा प्लस एन एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर। आगे जो टर्म आपके पास आएगी वो आएगी एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल टू, और नीचे जो आप फैक्टोरियल थ्री, और यहाँ पर एक्स की पावर तीन, और ऐसा ऐसा इन्फाइनेट टर्म तक इसका प्रसार चलता रहेगा। इसकी जनरल टर्म अगर आपको निकालनी हो, जनरल टर्म मतलब आर प्लस वन वे नंबर की टर्म अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। जनरल टर्म निकालना हो तो आर प्लस वन वे नंबर की जो टर्म होगी वो होगी आपके पास एन एन प्लस वन एन प्लस टू, और ऐसे ही सिमिलरली एन प्लस आर माइनस वन, और अपॉन होगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर आर, ये आपके पास चार फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है, समझना, ठीक है ना। हाँ, फैक्टोरियल तीन होगा, लिख दिया मैंने। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक बार फॉर्मूले याद करो, फिर से समझना, फिर से समझना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके पास ऐसा हो 1 प्लस एक्स की पावर एन, याद रखने का एक ही लॉजिक है, जब आपके पास ये एन एन का जो साइन है, एन का साइन अगर प्लस का है तो ब्रेकेट में होगा माइनस, एन का साइन जो है आपके पास, एन का साइन अगर प्लस का है तो ब्रैकेट में से एक एक संख्या कम होगी, अगर एन माइनस का है तो एक एक संख्या बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे एन की पावर माइनस की है तो देखो ब्रैकेट के अंदर संख्या बढ़ रही है, ठीक है। और एन की पावर अगर आपके पास प्लस का साइन है, ये देखो प्लस का, तो ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस माइनस। यहाँ पे भी देखो एन प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास हो रहा है प्लस है ना, तो माइनस हो रहा है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस होता है। यहाँ पे माइनस एन है तो ब्रैकेट के अंदर एक एक संख्या प्लस होती है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसका और इसका, अगर आपके पास माइनस का आता है तो अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस आएगा, बस इतना सा आपको याद रखना है। आगे बात समझ में, चलो यहां तक मैंने आपको, ये आपका बाइनोमियल कंप्लीट है बेटा, बाइनोमियल कंप्लीट है। इसका एग्जांपल मेरे पास अभी टाइमिंग की कमी है, एग्जांपल में आपको अगली जो क्लास मेरी आएगी 12-15 पे जो मेरी क्लास आएगी, ठीक है, उस वाली क्लास के अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपके डाउट ना रहे, क्योंकि आरएस अग्रवाल में इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। आगे बात समझ में, चलो जी, मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन, मैक्सिमा मिनिमा का तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है, फिर भी अगर कोई आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बनेंगे तो मैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेशन में लेकर आ रहा हूँ। मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास है और आज चैप्टर स्टार्ट होगा, तो बिल्कुल रिफ्रेश होकर फ्रेश होकर क्लास के अंदर आ जाएं। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट होगा,
बिल्कुल एनिमेशन के साथ में आपको डिस्कस करवाएंगे सारी चीज़, और आपका जो रिव्यू है इस क्लास के रिगार्डिंग कैसा आपने कवर किया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे देना, ठीक है? मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।